नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश, और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कहां कहां पर एंटर की, स्पेस बार या टैब की का यूज किया गया है, उसे कैसे पता कर सकते हैं। तो उसे जानने के लिए हमें होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक के शो एंड हाइड बटन पर क्लिक करना होगा। इसे ऑन करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस कीबोर्ड पर आप स्टार मार्क भी प्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो अभी आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट पर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैंने कहां पर स्पेस बार, कहां पर एंटर की या कहीं पर टैब की का उपयोग किया है या नहीं किया है। तो इसे जानने के लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, और ऑन करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। देखिए, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आइकन्स बन गए हैं। ये जो आइकन है जैसे कि उल्टा पी की तरह दिखाई दे रहा है, इसे शो एंड हाइड मार्क के बटन को ऑन करने पर देखा जा सकता है। तो जहां जहां पर इस तरह का आइकन बना है वहां पर एंटर की का उपयोग किया गया है, और जहां पर आप देख सकते हैं हर एक वर्ड के बीच में कुछ डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, वहां पे हमने स्पेस बार की को दबाया है। अब स्पेस बार की प्रेस करने से ये डॉट बनते जाते हैं। आइए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। अब यहां पर मैं कीबोर्ड पर एंटर की प्रेस कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, आप देख सकते हैं तीन बार मैंने एंटर की प्रेस की थी, तो तीन बार यहां पर ये उल्टे पी के निशान बन गए हैं। अब मैं यहां पर स्पेस बार की को प्रेस करता हूं। जैसे मैं स्पेस बार की को प्रेस कर रहा हूं, तो जितनी बार मैं स्पेस बार की को प्रेस करते जाऊंगा उतनी बार ये डॉट बनते जाएंगे। कुछ लोग इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। अब मैं कीबोर्ड पर टैब की को प्रेस करता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने टैब की को प्रेस किया, तो जितनी बार भी मैंने टैब की को प्रेस किया उतनी बार एक एरो बनते गया है राइट साइड में जाता हुआ। तो इस तरह से आप शो एंड हाइड बटन का यूज करके पता कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कितनी बार स्पेस, कहां पर एंटर या फिर टैब की का यूज किया गया है। अभी अगर आपको मान लीजिए इस टैब के जो भी आइकन्स हैं, जैसे टैब का आइकन, ये स्पेस बार के लिए या एंटर के लिए, इनको आप अलग अलग कलर करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट ब्लॉक में जाके जो भी कलर आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लाल कलर डालना है तो मैंने इसे लाल कलर कर दिया है। ये स्पेस जितनी भी दी है उनको मुझे पीला कलर करना है तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और पीला कलर कर देता हूँ। और उसी तरह टैब के कलर्स को भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और यहां से मान लीजिए मुझे नीला कलर करना है तो मैं नीला कलर कर सकता हूँ। अगर आपको ये बंद करना है तो बहुत ही आसान है, शो एंड हाइड बटन पर जाइए और वहां पर उसे फिर से क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए फिर से बंद हो गया है, कहीं पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां कहां पर आपने स्पेस, कहां पर एंटर या कहां पर टैब की का उपयोग किया था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अब आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट में ये पता कर सकते हैं कि कहां पर स्पेस, कहां पर एंटर या कहां पर टैब की का उपयोग किया गया था। थैंक यू।